हेलो स्टूडेंट्स, इस अल्फ़ाबेट की बुक में लास्ट वीडियो हमने स्मॉल लेटर एक्स फॉर एक्स मस्टी तक कंप्लीट किया था और उसका होमवर्क भी आप सबने कर लिया होगा। एक्स फॉर एक्स मस्टी के बाद कौन सा लेटर आता है बच्चों? वाई। वाई फॉर याक। बच्चों ये है कैपिटल वाई फॉर याक और ये जो लेटर है वो है स्मॉल वाई फॉर याक। तो हमें यहाँ पे वाई से स्टार्ट हुए कुछ वर्ड्स भी दिए हैं, अब हम वो पढ़ते हैं। बच्चों आप लोग भी मेरे साथ पढ़ते जाना। Y for येल्लो, ये है येल्लो कलर, इसलिए जो Y से स्टार्ट होता है तो क्या बोलेंगे हम? Y for येल्लो। नेक्स्ट है Y for यो यो, यहाँ पे आपको एक टॉय दिखाया गया है जिसका नाम है यो यो, जो भी Y से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है Y for यान, इसे क्या कहते हैं बच्चों? यान। नेक्स्ट हमें दिया है Y for योगर्ट, योगर्ट यानी कि दही, दही को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों? योगर्ट। नीचे देखो Y for याक, यहाँ पे आपको याक का पिक्चर दिया है, उसमें आपको कलर करना है और यहाँ पे Y से स्टार्ट होते हुए कुछ वर्ड है, याक, येल्लो, यान, याच। तो जो Y फर्स्ट लेटर है वो आपको ट्रेस करके लिखना है। अब हम नेक्स्ट पेज में Y लिखना सीखते हैं। आपको ब्लू लाइन में इस तरह से स्लैंटिंग लाइन, फिर ऊपर से स्लैंटिंग लाइन करते हुए आपको नीचे रेड लाइन तक ले जाना है और फिर ये छोटा कर्व, तो बन गया स्मॉल Y। Y for yak, Y for yo yo। तो बच्चों इसी तरह से ये ट्रेस वाली लाइन कंप्लीट हो गई। अब हम नीचे लिखना सीखते हैं, स्लैंटिंग लाइन और फिर दूसरी स्लैंटिंग लाइन करते हुए नीचे रेड लाइन तक और फिर ये छोटा कर्व। Y for yak, Y for yo yo, Y for yarn, Y for yellow, Y for yogurt, Y for yard। तो बच्चों इस तरह से आपको भी बोलते हुए लिखना है। कौन सा लेटर है बच्चों? स्मॉल लेटर वाई, स्लैंटिंग लाइन और दूसरी स्लैंटिंग लाइन करते हुए नीचे रेड लाइन तक और फिर ये छोटा कर्व, तो बन जाता है स्मॉल लेटर वाई। वाई से कौन कौन से वर्ड बनते हैं बच्चों? वाई फॉर याक, वाई फॉर यो यो, वाई फॉर योगर्ट। इस तरह से आपको स्मॉल वाई का पूरा पेज होमवर्क में कंप्लीट करना है और नीचे एक्सरसाइज में आपको स्मॉल वाई आइडेंटिफाई करना है और उस पर इस तरह से सर्कल करना है। अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। तो बच्चों ये कौन सा लेटर है? जेड फॉर ज़ेब्रा, ये है कैपिटल जेड और बाजू में आपको जो दिया है वो है स्मॉल लेटर जेड। तो बच्चों ए बी सी डी में जो लास्ट लेटर होता है वो कौन सा होता है? जेड फॉर ज़ेब्रा। तो देखो यहाँ से हमें जेड से स्टार्ट होते कुछ वर्ड दिए हैं, अब हम वो रीड करते हैं। जेड फॉर ज़ेब्रा, जेड फॉर ज़ीरो, जेड फॉर ज़ुकिनी, जेड फॉर ज़ेब्रा क्रॉसिंग, जेड फॉर ज़िप। देखो नीचे आपको ज़ेब्रा का पिक्चर दिया है, उसमें आपको अच्छी तरह से कलर करना है और यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर जेड है वो आपको ट्रेस करके लिखना है। अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज में हम जेड लिखना सीखेंगे। स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, तो कौन सा लेटर बना बच्चों? जेड फॉर ज़ेब्रा। इस तरह से आपको जो डॉट दिए है उस पर आपको अच्छे से ट्रेस करके लिखना है। तो ये ट्रेसिंग वाली लाइन कंप्लीट हो गई। अब हम नीचे लिखना सीखते हैं। स्लीपिंग लाइन, स्लैंटिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, तो कौन सा लेटर बना बच्चों? जेड फॉर ज़ेब्रा। वो आपको सिर्फ ये दो ब्लू लाइन में ही लिखना है। आपको बोलते हुए लिखना है बच्चों जेड से कौन कौन से वर्ड बनते हैं। जेड फॉर ज़ेब्रा, जेड फॉर ज़ू, जेड फॉर ज़ीरो, जेड फॉर ज़ुकिनी, जेड फॉर ज़ेब्रा क्रॉसिंग, जेड फॉर ज़िप। आप सब लोग ज़ू में तो गए होंगे बच्चों, गए ना आप लोग?
कौन सा लेटर है बच्चों? स्मॉल लेटर जेड, जो अल्फ़ाबेट में सबसे लास्ट लेटर होता है, जेड फॉर ज़ेब्रा। इसी तरह से आपको स्मॉल जेड का ये पूरा पेज होमवर्क में कंप्लीट करना है। नीचे आपको जो सेंटेंस दिए हैं उसमें से आपको जेड आइडेंटिफाई करना है और उस पर इस तरह से सर्कल करना है। तो बच्चों अब हम नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज में हमें क्या करना है? रिवीजन। आगे हमने जो भी लेटर सीखे उसमें से हमें यहाँ पे कुछ रिवीजन दिया है। प्लीज़ क्रॉस आउट द ऑब्जेक्ट दैट डज नॉट बिगन विद द सेम बिगनिंग लेटर। देखो आपको यहाँ पे 3 पिक्चर्स दिए हैं, उसमें से जो पिक्चर्स है वो बिगनिंग लेटर जिसके सेम हो वो आपको रखना है, और जो लेटर का बिगनिंग लेटर सेम नहीं हो उसमें हमें क्रॉस करना है। देखो ये है V फॉर वन, नेक्स्ट हमें दिया है R फॉर रेनबो, और यहाँ पे हमें दिया है V फॉर वाज। तो V फॉर वन और V फॉर वाज दो वो दोनों V से स्टार्ट होते हैं, लेकिन बीच में जो है वो तो R से स्टार्ट होता है, इसीलिए हमें ये पिक्चर पर इस तरह से क्रॉस करना है। उसी तरह से नीचे हमें किस किस के पिक्चर दिए हैं? W फॉर वॉच, W फॉर बॉल वेल, और R फॉर रोज। तो ये दोनों W से स्टार्ट होता है और ये तो R से स्टार्ट होता है, R फॉर रोज। तो हमें रोज पर क्रॉस की साइन करनी है। नेक्स्ट हमें दिया है Q फॉर क्वील, नेक्स्ट हमें दिया है X फॉर एक्स रे, और लास्ट है X फॉर एक्स मस्टिंग। तो ये दोनों तो X से स्टार्ट होते हैं, लेकिन ये वाला Q से स्टार्ट होता है जो कि ऑड यानी कि डिफरेंट है। तो हमें उस पर इस तरह से क्रॉस की साइन करनी है। नेक्स्ट हमें क्या दिया है बच्चों? Y फॉर योगर्ट, Y फॉर येल्लो, और लास्ट में हमें दिया है T फॉर टाइगर। तो ये दोनों Y से स्टार्ट होता है और ये वाला अलग है, ये T से स्टार्ट होता है, T फॉर टाइगर, इसलिए हम उस पर इस तरह से क्रॉस की साइन करेंगे। नेक्स्ट हमें दिया है Z फॉर जीप, Y फॉर याग, और Z फॉर ज़ीरो। तो जीप और ज़ीरो वो तो ज़ीरो Z से स्टार्ट होता है, लेकिन बीच वाला जो ये है वो Y यानी कि Y फॉर याग Y से स्टार्ट होता है, तो वो अलग है, तो हम उस पर इस तरह से क्रॉस की साइन करेंगे। नेक्स्ट हमें दिया है U फॉर ऑन, P फॉर पैरट, और U फॉर अम्पायर। ये दोनों U से स्टार्ट होता है, लेकिन ये है वो P से स्टार्ट होता है, P फॉर पैरट, तो वो अलग है, हम उस पर इस तरह से क्रॉस की साइन करेंगे। इस तरह से आपको ये पेज नंबर 62 कंप्लीट करना है। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं, वहाँ पे भी हमें रिवीजन दिया है। प्लीज़ मैच द लेटर्स विथ द ऑब्जेक्ट एज पर देयर बिगनिंग साउंड। देखो आपको यहाँ पे लेटर दिए हैं और सामने हमें कुछ पिक्चर्स दिए हैं, तो हमें लेटर को पिक्चर के साथ मैच करना है। देखो फर्स्ट हमें दिया है U, तो यहाँ से U से कौन सा पिक्चर स्टार्ट होता है? देखो फर्स्ट है वेजिटेबल, तो वी तो V से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट है ज़ाइलोफोन, जो X से स्टार्ट होता है। नेक्स्ट हमें दिया है अम्ब्रेला का पिक्चर, वो U से स्टार्ट होता है, U फॉर अम्ब्रेला। तो आपको U को अम्ब्रेला के साथ मैच करना है बच्चों, इसमें आपका स्केल का यूज़ करना होगा। नेक्स्ट हमें दिया है वी, वी फॉर वेजिटेबल्स, तो वो आपको फर्स्ट पिक्चर दिया है जो कि वी से स्टार्ट होता है, तो आपको वी को वेजिटेबल के साथ मैच करना है। उसके बाद हमें दिया है डब्ल्यू, तो डब्ल्यू से यहाँ पे कौन सा लेटर स्टार्ट, कौन सा पिक्चर में स्टार्ट होगा? वेजिटेबल, ज़ाइलोफोन, अम्ब्रेला या विंडो? विंडो, डब्ल्यू फॉर विंडो, तो आपको डब्ल्यू को विंडो के साथ मैच करना है। और लास्ट है एक्स, एक्स फॉर ज़ाइलोफोन, तो देखो वो आपको सेकेंड नंबर का पिक्चर दिया है, तो आपको X को ज़ाइलोफोन के साथ मैच करना है। अब उसके बाजू का देखते हैं। नेक्स्ट है Y, तो यहाँ पे Y से कौन सा पिक्चर स्टार्ट होता है? फर्स्ट है X मस्ट ट्री, जो कि X से स्टार्ट होता है। उसके बाद है अम्पायर, जो U से स्टार्ट होता है। उसके बाद हमें दिया है Zip, जो Z से स्टार्ट होता है। और लास्ट हमें दिया है वो है यो-यो, जो Y से स्टार्ट होता है। तो आपको Y को लास्ट पिक्चर यो-यो के साथ मैच करना है। उसके बाद है Z, तो Z फॉर Zip, जो कि आपको यो-यो के ऊपर दिया है, तो आपको Z को Zip के साथ मैच करना होगा। उसके बाद हमें दिया है X, X फॉर एक्स मस्ट्री, जो कि आपको फर्स्ट पिक्चर दिया है, तो आपको उसके साथ मैच करना है। और लास्ट हमें दिया है U, U फॉर अम्पायर, जो आपको एक्स मस्ट्री के नीचे दिया है, तो आपको U को उसके साथ मैच करना है। अब नेक्स्ट पेज देखते हैं। नेक्स्ट पेज में हमें यहाँ पे क्या करना है बच्चों? वी हैव नाउ लर्नड अवर ABC एंड देयर फ्रेंड्स, सो कैन वी प्लीज राइट द लेटर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द पिक्चर्स गिवन। बच्चों आगे हमने ABC और उसके फ्रेंड्स यानी कि पूरी ABCD हमने सीख ली है, तो यहाँ पे हमें कुछ पिक्चर्स दिए हैं, उसके सामने हमें उसके लेटर लिखने हैं। स्टार्ट करते हैं। ये किसका पिक्चर है? एप्पल, A फॉर एप्पल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे A, A फॉर एप्पल। नेक्स्ट हमें दिया है बॉल का पिक्चर, तो हम क्या लिखेंगे? B, B फॉर
बॉल। उसके बाद हमें किसका पिक्चर दिया है, केक का, तो हम लिखेंगे सी, सी फोर केक। नेक्स्ट हमें पिक्चर किसका दिया है, डक का, डी फोर डक। नेक्स्ट हमें किसका पिक्चर दिया है बच्चों, इंजिन का, ई फोर इंजिन। नेक्स्ट हमें फिश का पिक्चर दिया है जो कि एफ से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एफ फोर फिश। उसके बाद है ग्रेप्स का पिक्चर यानी कि जी, जी फोर ग्रेप्स। नेक्स्ट हमें दिया है हॉर्स का पिक्चर यानी कि एच फोर हॉर्स। नेक्स्ट हमें किसका पिक्चर दिया है बच्चों, इग्लू, तो कहाँ से कौन सा लेटर आएगा, आई, आई फोर इग्लू। नेक्स्ट हमें जीप का पिक्चर दिया है तो यहाँ पे हम लिखेंगे जे, जे फोर जीप। नेक्स्ट हमें किसका पिक्चर दिया है बच्चों, किंग का, के फोर किंग। नेक्स्ट हमें किसका पिक्चर दिया है बच्चों, ये लैम्प का, यहाँ पे लिखेंगे एल, एल फोर लैम्प। नेक्स्ट हमें पिक्चर दिया है मैंगो का, जो भी आप सबको भी बहुत पसंद होगा, एम फोर मैंगो। नेक्स्ट है नेस्ट का पिक्चर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एन, एम फोर नेस्ट। उसके बाद हमें किसका पिक्चर दिया है बच्चों, ऑरेंज का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ओ फोर ऑरेंज। उसके बाद हमें किसका पिक्चर दिया है बच्चों, पाइनएप्पल, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पी फोर पाइनएप्पल। नेक्स्ट हमें किसका पिक्चर दिया है, क्वीन का, तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्यू, क्यू फोर क्वीन। उसके बाद हमें रोज का पिक्चर दिया है तो क्या वर्ड बनेगा बच्चों, आर, आर फोर रोज। उसके बाद हमें ये किसका पिक्चर दिया है बच्चों, सनफ्लावर, तो कहाँ से स्टार्ट होता लेटर, एस, एस फोर सनफ्लावर। उसके बाद हमें टर्टल का पिक्चर दिया है तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा, टी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे टी, टी फॉर टर्टल, टी फॉर टाइगर। नेक्स्ट है अम्ब्रेला का पिक्चर, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यू, यू फॉर अम्ब्रेला, यू फॉर अम्ब्रेला। नेक्स्ट हमें वायोलिन का पिक्चर दिया है तो कौन सा लेटर आएगा बच्चों, वी, वी फॉर वायोलिन। उसके बाद किसका पिक्चर है बच्चों, वाटरमेलन, डब्ल्यू फॉर वाटरमेलन। नेक्स्ट है एक्समस ट्री, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स फॉर एक्समस ट्री। नेक्स्ट हमें किसका पिक्चर दिया है बच्चों, यो यो, वाई फोर यो यो। और लास्ट पिक्चर किसका दिया है, ज़ेब्रा, तो क्या बनेगा, जेड फोर ज़ेब्रा। तो बच्चों इसी तरह से आपको पेज नंबर 64 भी कंप्लीट करना है जो कि इस बुक का लास्ट पेज था। तो बच्चों इस बुक में आज हमने जितने भी पेज सीखे वो आप सबको भी आपकी अल्फ़ाबेट की बुक में होमवर्क में कम्प्लीट करना है।